जी आप, आपको कुछ चाहिए था? नहीं लाजवंती बेटा, एक बात पूछनी थी। पूछिए ना मम्मी जी। आप सब लोग बाहर गए, एंजॉय किया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन लाजवंती बेटा, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं आपसे एक बार पूछ लूं, पर वो क्या है ना, इन्होंने इतनी जल्दबाजी में ही बाहर जाने की बात तय कर दी, तो इसलिए मैं। कोई बात नहीं, उदय ने कहा, मैंने कहा, एक ही बात है। एक बात बताओ, लीजा तुम्हारे साथ ठीक थी? क्या उसने तुम्हारे साथ व्यवहार ठीक किया? हाँ हाँ मम्मी जी, लीजा जी तो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आई, और उनके और अभय जी के बीच जो भी मतभेद थी वो भी दूर हो गई। जी तो बहुत अच्छा हुआ ना मम्मी जी। हाँ हाँ बहुत अच्छा। मम्मी जी ये सब इन्होंने ही किया है, वरना वो दोनों ना ही बाहर जाते और ना ही पहले की तरह एक हो पाते। आपको पता है मम्मी जी, मुझे वो सुनसान जंगल में बहुत डर लग रहा था। लाजवंती बेटा, फिर तुम वापस आ जाती? नहीं मम्मी जी, इन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि मेरा सारा डर दूर हो गया। और उसके बाद बहुत बारिश हो रही थी तो हम एक झोपड़ी में पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। मैं तो तभी भी डर गई थी, पर उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया इसकी वजह से कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। और लाजवंती बेटा, जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है मम्मी जी। लाजवंती बेटा, लीजा के लिए तुम्हारी और घर के सभी लोगों की खुशी बस कुछ मिनटों की ही मेहमान। रिलैक्स लीजा, सो जाओ। मैं जाके अभय को बुलाता हूँ, वो तुम्हें अपने रूम में ले जाएगा। हाँ नो विकी, आई एम फाइन, आई विल गो टू माय रूम। Hi guys. अभय वो लीजा। Relax Vicky. मैं अपनी वाइफ लीजा को हाईजैक करने आया हूँ। अभय, मेरा को अपना रूम में ले चलो। I'm feeling sleepy. अभय, what you doing? मैं चल सकता है। मैं जानता तुम चल सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम अपने पैरों पर चलो। गुड नाइट बेकी। गुड नाइट। Lovely, Abhay. It's all just for you, darling. But तुमने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उनको भी उस प्यार का एहसास होना चाहिए। I love you. I love you too. तुम बैठो एंड आई विल मेक यू अ नाइस ड्रिंक, ऑलराइट?
भी। लगता है तुम थक गई हो। गुड नाइट आलू। अभय और लीजा को फिर से खुश देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है जी। आखिर ये बात भी ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे से कब तक खींचे खींचे रह सकते हैं? देर से ही सही लीजा, में समझ आ ही गई। क्यों? हाँ तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या ठीक कह रही हूँ मैं बातें किए जा रही हूँ और आप अखबार लेकर बैठ गए। मैं नाश्ता लगा देती हूँ, चलिए आइए। एक काम करो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। दोबारा अखबार लेके नहीं बैठिएगा? नहीं। गुड मॉर्निंग रणबीर बाबू। क्या बात है बनवारी जी, सुबह सुबह अंग्रेजी में। तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे कहाँ तबीयत ठीक है रणबीर बाबू, मेरे मुंह से सो सुसरी अंग्रेजी तभी निकले जब माथे पे कोई बड़ी भारी परेशानी आ जाए। अरे बनवारी जी, अब कौन सी परेशानी है आपको परेशान कर रही है? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या बात अन्य कर रहे हो साहब आप, कहाँ कुशल मंगल है? कछु ना है। अरे साहब, रेखा देवी घर में लौट आई है तो कुशल मंगल कहाँ रह सके साहब, है कि नहीं? अब देखो, वो रेखा देवी को तो लाजो बिटिया और उदय बाबू को साथ अच्छा ही ना लगे साहब। अरे बनवारी जी, उदय और लाजवंत एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, अब कोई चाहकर भी उनके बीच में नहीं आ सकता, रेखा भी नहीं। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है, और हम भी यही चाहते थे। रणवीर बाबू, हमारे चाहे से कहा हुए साहब, वो रेखा देवी तो ना चाहे। यही बात मेरे लिए और आपके लिए भी बड़ी भारी चिंता को विषय है साहब, हाँ है कि नहीं? एक बात याद रखो रणबीर बाबू, चोट खाई औरत है, जरूर कछून कछू चाल चल रही होगी। हाँ। अरे कोई चाल नहीं चलेगी बनवारी जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि रेखा का खेल खत्म हो चुका है, अब उदय लाजवंती हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे, हमेशा। कभी कह नहीं सकी, लेकिन मेरा दिल ही जानता है मैं आपको कितना चाहती हूँ। एक बार फिर से कहो ना। क्या अजीब हुई जो अभी अभी यहाँ कहा था जी? वो मैंने सोचा कि आप सो रहे हैं तो चलो फिर से सो जाता हूँ, आप कहो जी। आप भी ना मुझे जाने दीजिए ना, देखिए मुझे पूजा के लिए जाना है, मैंने तो नहा भी लिया है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा लाजवंती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इस घर की बहू हूँ और नीचे सब लोग आ चुके होंगे, ऐसे अच्छा लगता है क्या? सब लोग सब कुछ हैं और मैं कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ। क्या हुआ, तुम्हें तो जाना था ना?
जी जाना तो था पर मैंने सोचा कि क्या सोचा यही कि अपने नाराज पति को छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ मैं बताता हूँ कहाँ जाना चाहिए कहाँ यहाँ ये आप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं मैं तो नींद में हूँ मम्मी जी क्या बात है एनी प्रॉब्लम कुछ नहीं अब इस बेवकूफ को क्या बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है विक्रांत का मैसेज आया था कि काम हो गया फिर घर में इतनी शांति क्यों है विक्रांत हेलो रेखा जी हाय विकी हाय लीजा उदय ऊपर ही है क्या मॉम आई थिंक वो दोनों सो रहा होगा एक्चुअली कल दोनों बहुत थक गया था ना इट वॉज सो मच वॉकिंग अच्छा लाजवंती बेटा तुम्हें आने में देर होगी तबीयत तो ठीक है ना मम्मी जी मैं तो उठ गई थी पर आई नहीं यार क्या कर रही थी तुमने चलो मॉम को बताओ उदय ये क्या बात है क्यों परेशान कर रहा है उसे इस घर की बहुएं नहीं है बल्कि बेटियां हैं और अगर एक आध दिन बेटी देर तक सो जाए कोई बात नहीं उमा क्या बात है नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो पता नहीं मम्मा भूख ही नहीं लग रही है मुझे अरे कुछ तो खा लो बेटा कुछ दिनों से तुम्हारा खाना पीना बहुत कम हो गया है क्या बात है बेटा आप कहिए जी देखो मैं बेटा थोड़ा सा खाना खा लो पापा मुझे पढ़ाई करनी है अरे उमा उमा पता नहीं क्या हो गया इसको पढ़ाई के बोझ के कारण ये लड़की ऐसा कर रही है लाजवंती जी ताई जी बेटा आज दोपहर का खाना उसके मनपसंद का बनाना पढ़ाई तो ठीक है साथ साथ खाना भी जरूरी है वरना कमजोर हो जाएगी जी ताई जी मैं उनसे पूछ लूंगी इस विक्रांत के बच्चे को अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकलना चाहिए ऐसे बेवकूफ को पैसा और इस घर में रखकर क्या फायदा जो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता उमा जी अब आपकी तबीयत कैसी है ठीक है भाभी अच्छा तो अब ये बताइए कि आप खाने में क्या पसंद करेगी लाजो भाभी कुछ भी बना लीजिए मैंने आपसे कहा ना मुझे तो भूख ही नहीं लगती जो भी पसंद हो थोड़ा तो खाना चाहिए ना वरना कमजोरी आ जाएगी मेरा मन नहीं है भाभी और प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए अब
उमा जी वो तो उमा जी को क्या हो गया, कुछ खाया भी नहीं और उल्टी, कहीं नहीं नहीं जी मैं भी क्या सोच रही हूँ। एक कुंवारी लड़की का इस तरह उल्टी करना कब और क्यों होता है? अगर मैं जो सोच रही हूँ वो सही है तो थैंक यू उमा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। सॉरी विक्रांत, तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था। अब उमा जी अब आपको कैसा लग रहा है? एक बात कहूं उमा जी, इस तरह उल्टी होना अच्छी बात नहीं है। कहीं आपसे कोई गलती तो? लाजो भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे समझ क्या रखा है? और इस तरह का सवाल करने से पहले आपको? उमा जी मैं तो बस ये बस बहुत हो चुका हा? प्लीज आप यहां से जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आराम करना है। कहीं लाजो भाभी की बात सही तो नहीं है? क्या करूं? मुझे लीजा भाभी से बात करनी चाहिए। विक्रांत ने काम किया है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उमा की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि काम तो हो गया। उमा शायद पहली बहन है जिसने अपने हाथों से ही अपने भाई की जिंदगी में आग लगा दी। बस सिर्फ मेरा शक सही साबित होना चाहिए, फिर उमा की भाभी और अभय की वाइफ लीजा इस घर से बाहर निकल जाएगी।